एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हम लोग बिगनर्स हैं, हम लोग फ्रेशर्स हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे ईपीएफओ या नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है हमें. तो जो जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम एक्चुअली मैं भी बिगिनर ही था. मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है. तो जीएस वाला जो पोर्शन है या फिर जो सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, ये सारा कुछ मेरे लिए नया था. सिर्फ बात करें तो जो इंग्लिश वाला पोर्शन था और क्वांट वाला पोर्शन था, उससे मैं थोड़ा सा ये था कि मुझे ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर सकता हूँ. तो जीएस वाला पोर्शन था, जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था तो वो पोर्शन थोड़ा सा मेरा अच्छे से प्रिपेयर था. तो जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप जो जीएस वाला पोर्शन है उसके लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करें. जो एक पार्ट है वो है आपका अकाउंट, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये वाला पार्ट है. दूसरा पार्ट है आपका जीएस का और उसमें आप इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको भी ऐड करें. और एक कंप्यूटर आता है शायद इसमें, आई एम नॉट रिकॉलिंग द सिलेबस वेरी वेल कि अभी क्या क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आता है. और तीसरा पार्ट आता है आपका एप्टीट्यूड वाला और रीजनिंग वाला. तो आप किसी भी पोर्शन को ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें, इक्वली टाइम डिवोट करें आप पोर्शन को, और जिस पोर्शन में आप वीक हैं उस पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करें. तो आप इजीली जो बेसिक्स हैं, जैसे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग वाला जो पोर्शन है उसका मैंने बेसिक्स ही किया था एनसीईआरटी से. और जब सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज की बात आती है तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं आपको आजकल, तो ऑनलाइन कोर्सेज आपको इजीली अवेलेबल हैं, वो मिल जाते हैं. तो आप वहाँ से ले सकते हैं, किसी भी एक कोचिंग को आप फॉलो करें तो आप इजीली चीज़ों को, लेकिन ये है कि सोर्सेज, ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें, कोई एक सोर्स को फॉलो करें और आप उसको फॉलो करके अच्छे से चीज़ों को कर सकते जी हैं. तो ये आपने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि अपने सोर्सेज कम रखें और उन्हीं को शायद ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हमें करना होता है, सोर्सेज हमें कम रखना होता है.